नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर के आए हैं टाटा नैनो से काफ़ी ज़्यादा बेस्ट कार दोस्तों, जिसको देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों इस गाड़ी का एवरेज तो बेस्ट है ही, साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी फीचर्स अभी के टाइम में टाटा पंच हो गई या फिर जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है, सारा फीचर्स आपको इसमें भी दी गई है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी ये भी होने वाली है, सो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा तो बचेगा ही गाड़ी को चलाने में, और प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। मतलब कुल मिला के बताऊँ तो नैनो से तो आपको सस्ता ही प्राइस में देखने को मिलने वाला। और गाड़ी का कंपनी बताऊं तो दोस्तों गाड़ी का कंपनी है महिंद्रा की। जी हाँ, महिंद्रा अपनी ईवी लेकर के आ चुकी है काफ़ी सस्ते रेट में, और गाड़ी का साइज भी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। सो अगर आप गली में रहते हो या फिर कोई भी जगह रहते हो, आप बहुत आराम से इस गाड़ी को पार्क कर सकते हो। तो चलिए बात कर लेते हैं इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, लेकिन फीचर्स और सब कुछ अभी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ वो है दोस्तों ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर को लेकर के। बहुत भाई लोगों के आने के पता नहीं चलता कि ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर वो कहाँ दिया गया, जिस कारण उसको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है कि कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ से निकाले, कैसे बात करो ऑनर से। तो दोस्तों या तो आपको वीडियो के बीच में या फिर वीडियो के एंड में आपको ऑनर का जो कॉन्टैक्ट नंबर वो देखने को मिल जाएगा। सो आप वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको बहुत आराम से कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के फीचर्स के बारे में, क्या क्या फीचर्स मिल जाता है। तो सबसे पहले साइड लुक के बारे में बताऊँ तो साइड लुक दोस्तों काफ़ी कमाल का मिल जाता है, और इतना ही नहीं ये गाड़ी आपको बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल देखने को मिलते हैं। तो टायर के बारे में बता दूँ दोस्तों, टायर कंडीशन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे 70-80% के आसपास टायर की लाइफ जो है वो बची हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक है दोस्तों। और सेकंड हैंड आप गाड़ी जब भी कोई भी लेने चाह रहे हो या फिर लेना चाह रहे हो, लेने जा रहे हो कुछ भी, तो आप 50% प्लस ही देकर के टायर कंडीशन का गाड़ी लें। क्योंकि दोस्तों क्या होगा ना कि अगर आप कम कंडीशन मतलब कम थोड़ा ख़राब टाइप सा टायर ले लोगे तो सबसे पहले आपको गाड़ी का टायर चेंज कराना पड़ेगा गाड़ी लेने के बाद। अब गाड़ी में भाई अगर आप डाल रहे हो 2-4 लाख रुपये और फिर आपको 15,000 का टायर चेंज कराना पड़े तो सोचो कितना बड़ा झटका होगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि 50% प्लस ही टायर कंडीशन वाला गाड़ी लें। साथ में बात करें इस गाड़ी के व्हील साइज़ की, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको व्हील साइज़ देखने को मिल जाता है 12 इंचेस का, जो कि नैनो की तरह सेम टू सेम। और साथ ही साथ आपको इसका जो टायर है उसके अंदर आपको व्हील कैप्स भी लगा हुआ देखने को मिलता है, हालांकि इसमें अलॉय तो नहीं मिलेगा बट हाँ व्हील कैप्स आपको देखने को मिल जाएंगी। फ्रंट लुक के बारे में बताऊं तो फ्रंट लुक काफ़ी ज़्यादा आपको कमाल का दोस्तों इस गाड़ी का मिल जाता है। हेडलाइट के बारे में सबसे पहले बताऊं तो जहां पे आपको नैनो के अंदर दोस्तों बेसिक सा नॉर्मल सा बेसिक जो आता है फॉग लैंप और हेडलाइट जो हैलोजन वाला, वैसा आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको जो है आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट्स देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टर हेडलाइट ही नहीं दोस्तों, आपका जो होता है ये हैलोजन हेडलाइट वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब हैलोजन हेडलाइट और प्रोजेक्टर दोनों आपको सेम मिल जाता है, मतलब एक ही हेडलाइट के अंदर। साइड इंडिकेटर भी आपको मिल जाएगा हेडलाइट्स में, साथ ही साथ फॉग लैंप इस गाड़ी के अंदर नहीं दी गई है। स्पेस हालांकि दी गई है बट फॉग लैंप लगी नहीं है, आप चाहे तो वहाँ एलईडी फॉग लैंप जो होता है आप इंस्टॉल करा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ पीछे से बात करें तो दोस्तों पीछे से उसका जो लुक है ना काफ़ी ज़्यादा कमाल का दिया गया, पीछे से आपको गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि पीछे से जिस गाड़ी का जो टेन लाइट है उसमें आपको एलईडी लाइट देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक लगता है रात के टाइम में, तो पूछो मत, काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको महिंद्रा के पीछे में बैजिंग देखने को मिल जाएगी, E2O की भी बैजिंग देखने को मिल जाती है, और नॉर्मल सा आपको महिंद्रा का जो नया वाला बैजिंग आया वो आपको पीछे में लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। आर्मी में भाई गाड़ी चलाते हैं तो आर्मी का भी बैजिंग लगा रखे हैं, और नीचे में आपको टॉप लाइट जो था वो भी आपको एलईडी में इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी कमाल का आपको इसका लुक मिल जाता है। पीछे का जो डोर है दोस्तों जो नया वाला स्विफ्ट आया है, या फिर आप साइबरलेट बीट पे जा सकते हो, सारा का जो डोर पीछे में ऊपर में दिया खोलने वाला वैसा ही सेम टू सेम इस गाड़ी के अंदर भी दी गई। वैसे तो सारे कार से सब देख करके कॉपी किया करते हैं, तो इसमें तो खैर कुछ बड़ी बात है नहीं दोस्तों। और ओवरऑल देखी जाए तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप उसको चार्जिंग करना चाहते हैं तो चार्जिंग सॉकेट आपको इस गाड़ी का बाहर में ही देखने को मिलता है, नैनो की तरह ये नहीं कि बोनट ओपन करोगे फिर आपको अंदर में मिलेगा, इसका आपको बाहर में लेफ्ट हैंड साइड पर आपको राइट हैंड साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर हर गाड़ी का पेट्रोल का होता है। चलिए बात कर लेते हैं अंदर से, आखिरकार अंदर से गाड़ी कैसी लगती है। तो अंदर से पूछो मत भाई, काफ़ी ज़्यादा बवाल है, काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त इसका लुक मिल जाता है। सबसे पहले डैशबोर्ड बताऊँ कौन सी गाड़ी की तरह इसकी लगती है। दोस्तों रेनॉल्ट की जो डस्टर है ना कुछ उस टाइप से इसकी डैशबोर्ड को डिज़ाइन की गई है। आपको ग्लव बॉक्स इस गाड़ी के अंदर काफ़ी शानदार मिल जाता है, और ग्लव बॉक्स में काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस भी मिल जाएगा। और इस गाड़ी के अंदर आपको 7 इंचेस का TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले जो होता है मीडिया वाले वो भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। और गियर इस गाड़ी का दोस्तों आपको ऑटोमेटिक देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी शानदार गाड़ी का आपको गियर देखने को मिल जाती है। और इसमें बात करें स्पोर्ट्स मोड ये सब, तो दोस्तों ये सब फीचर्स खैर आपको देखने को नहीं मिलने वाले, नॉर्मल जो बेसिक्स होते हैं वही आपको मिल जाएंगे। और पावर विंडोज के कंट्रोल्स जस्ट आपको गियर के बगल में ही देखने को मिल जाती है। और कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको गाड़ी का जो AC होता है ना उसका आपको कंट्रोल्स देखने को मिलता है, काफ़ी कमाल का आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिलता है, हालांकि मैनुअली है इसमें, कोई आपको ऑटोमेटिक AC देखने को नहीं मिलता है। 6 स्पीड AC आपको मिलता है,
जहाँ पे हर गाड़ी के अंदर दोस्तों 4 या 5 तक होता है, वहाँ पर सोचे इसमें आपको 6 देखने को मिलता है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। साथ में रियर सीट की बात करें तो रियर सीट भी काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाता है, जैसे कि क्या है कि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा छोटी लगती है बाहर से देखने में, तो बहुत भाई लोग को ऐसा लगता होगा कि अंदर में स्पेस ज़्यादा नहीं होगा, बहुत छोटी गाड़ी होगी, बट ऐसा कोई सी नहीं है दोस्तों। आप सामने में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको स्पेस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। लेगरूम हेडरूम के बारे में आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप 4 फीट को या फिर 5 फीट के बहुत आराम से इस गाड़ी के अंदर बैठ जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बात करें इस गाड़ी के थोड़े बहुत और फीचर्स के बारे में, तो आगे का आप सीट देख सकते हैं, आगे का सीट काफ़ी ज़्यादा आपको कंफर्टेबल मिल जाता है, सीट आपको फुल्ली एडजस्टेबल देखने को मिलने वाला है, तो पूरा तरह से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और कंफर्ट के बारे में तो पूछो मत भाई, महिंद्रा की गाड़ी और महिंद्रा की थार क्या चल रही हो तो आपको अच्छे से पता ही होगा, तो कंफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको इस गाड़ी का मिल जाता है। इतना ही नहीं, गाड़ी के अंदर आपको नया फीचर जो पुश स्टार्ट इंजन पुश स्टार्ट बटन जो होता है वो भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाता है, तो और क्या ही चाहिए मेरे भाई। और बूट जो होता है वो आप ओपन करने का, मतलब आगे का जो होता है वो आपको ओपन करने का देखने को मिल जाएगा। वैसे इस गाड़ी का इंजन के बारे में बताऊँ तो दोस्तों गाड़ी का जो इंजन है आपको पीछे में देखने को मिलता है नैनो की तरह, इस गाड़ी के अंदर इंजन जो है आपको आगे में देखने को नहीं मिलने वाला है। बात करें स्टीयरिंग की तो स्टीयरिंग काफी कमाल का आपको देखने को मिलता है दोस्तों, नॉर्मल बेसिक सा स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के ऊपर फिलहाल आपको कोई कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलने वाला, जो नॉर्मल हर गाड़ी की तरह हॉर्न आता है वही मिलेगा, मीडिया कंट्रोल्स हो गए या फिर आपके क्रूज कंट्रोल हो गए, ये सब फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को नहीं मिलने वाली है। तो चलिए बात कर लेते हैं पावर स्टीयरिंग है या नहीं, तो गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग बेशक देखने को मिलेगा, उसमें कोई आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। और इसका जो दोस्तों मीटर होता है मीटर कंसोल वो आपको देखने को मिल जाएगा डिजिटली, जिसमें आपका किलोमीटर कितना चलेगा, क्या बैटरी परसेंटेज है, सब कुछ आपको दिखाने वाला है। तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अगर आपको ये गाड़ी पसंद आए तो बेशक इस गाड़ी को आप ले सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यार बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाय द वे आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के थोड़े बहुत और फीचर्स के बारे में, आखिरकार इस गाड़ी का क्या बैटरी है, कौन सा मॉडल गाड़ी है, सारा कुछ डिटेल अभी हम जानेंगे। तो दोस्तों महिंद्रा E2O प्लस 2017 मॉडल आप देख रहे हैं, और मैं आपको बता दूं इलेक्ट्रिक गाड़ी है। किलोमीटर की बात करें कितने किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो दोस्तों ये जो गाड़ी है सिर्फ और सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली है। जी हाँ, जैसा कि पिछला वीडियो मैं लेकर के आया था ईवी पे, तो कुछ भाई लोग थे जो कमेंट किए थे कि भाई ये गाड़ी चल चुकी है इतना ज़्यादा अभी, और तो इसका बैटरी जो डेड हो चुका होगा, बैटरी में कुछ पावर ही नहीं बचा होगा। तो मेरे भाई आज मैं आपके लिए खास करके लेकर के आया हूँ सिर्फ और सिर्फ 11,000 किलोमीटर चली हुई ईवी, तो बेशक आप इस गाड़ी को ले सकते हैं काफ़ी अच्छे प्राइस में, ऐसा नहीं कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, प्राइस का भी कोई सीन नहीं है। और ऑटोमेटिक गियर है, और ऑटोमेटिक गियर होने से दोस्तों आपका ही फायदा है, क्योंकि ऑटोमेटिक गियर वाला अगर आप गाड़ी लेते हैं तो इजी टू ड्राइव ये गाड़ी हो जाने वाला है। वैसे तो ये जो गाड़ी जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ ये जो गाड़ी है दोस्तों ये आपको ऑटोमेटिक नहीं मैनुअल गियर वाली गाड़ी है, स्कोडा स्लाविया ये गाड़ी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ इस गाड़ी की ऑनरशिप के बारे में, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है फिर सेकेंड ऑनर गाड़ी है, तो दोस्तों गाड़ी जो है फर्स्ट ऑनर है, आप इस गाड़ी को बाई करेंगे तो आप बन जाएंगे इस गाड़ी के सेकेंड ऑनर, तो ये भी अच्छी बात है। और आप जब भी दोस्तों कोई सेकेंड हैंड कार लेने जा रहे हो तो कोशिश या फिर कोशिश क्या है, मतलब मैं आपको बोलूँगा 100% भाई आप फर्स्ट ऑनर ही गाड़ी ले, क्योंकि अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लेते हैं, मतलब सेकेंड ऑनर गाड़ी ले लेते हैं ना, तो फिर आप दिक्कत में आने वाले हो, क्योंकि 100% उसका इंजन में या फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा ही तो होगा, तो इसलिए वैसा गाड़ी आप मत लेने जाएं, फर्स्ट ऑनर गाड़ी हो तभी आप ले, अदरवाइज सर गाड़ी को मत लीजिए, छोड़ दीजिए। बात करें इस गाड़ी के लोकेशन की, क्या होने वाला है गाड़ी का लोकेशन, तो दोस्तों गाड़ी का लोकेशन है नासिक। जी हाँ, नासिक की एक गाड़ी है, तो काफ़ी शानदार है। गाड़ी का जो NOC है वो भी आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा, सो आप कोई भी स्टेट्स हो अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान बना चुके हो, लेना चाहते हो, तो आप आराम से ले लोगे, क्योंकि NOC आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। और जिनको NOC के बारे में नहीं पता कि क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों NOC का मतलब होता है कि अगर आप कोई दूसरे स्टेट की गाड़ी दूसरे स्टेट में ला के चलाना चाहते हो तो वहाँ पर आपको NOC की जरूरत पड़ती है, सो NOC इसी को बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, क्या होने वाला है इस गाड़ी का प्राइस, तो दोस्तों ऑनर का आस्किंग प्राइस है 4,25,000 रुपये, लेकिन प्राइस नेगोशिएबल है, प्राइस बिल्कुल फिक्स नहीं है। मैक्सिमम गाड़ी आपको 3,70,000 से 3,80,000 के अंदर में भी पड़ सकता है, डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ऑनर से बात करते हो कैसे और कितना प्राइस कम करा सकते हो। 2017 मॉडल महिंद्रा E2O प्लस आप देख रहे हैं। बात करें कॉन्टैक्ट नंबर की, कहाँ मिलेगी ऑनर के कॉन्टैक्ट नंबर, जैसे जिससे ऑनर से कॉन्टैक्ट हो सकता है, तो ऑनर का कॉन्टैक्ट नंबर दोस्तों आपको डिस्प्ले पर मिल जाएगा, तो नंबर पर आप कॉल करके ऑनर से बात करिए, जो भी आपको पूछना हो पेपर से रिलेटेड हो या फिर गाड़ी से रिलेटेड हो आप पूछ सकते हैं जाके। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेकर आपको गाड़ी पसंद आए तो ही आप गाड़ी को बाई करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो के साथ, नई कार के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।